हाय गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। हम निकल रहे हैं, मॉर्निंग के 10:30 बज रहे हैं। ये पीछे सामान देख दे तो हम निकल रहे हैं एक न्यू जर्नी, न्यू डेस्टिनेशन की तरफ। वैसे हम लोग 2-3 बार उस जगह पर जा चुके हैं। हमने सोचा था न्यू ईयर पर मस्ट विजिट प्लेस है वो। हमने सोचा था कि हम जनवरी में जाएंगे, बट ड्यू टू सब सर्टेन सर्कमस्टेंसेस कुछ और भी प्लान्स करना पड़ा। तो एज ऑफ नाउ हम आज जाने का प्लान कर लिया। तो यस, अनलाइक अदर डेज पे हम लोग रात को ही निकलते हैं, लेकिन इस बार हम दिन में निकल रहे क्योंकि रात के टाइम पे ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। छोटा बच्चा है हमारे साथ, 5 ईयर्स का हो गया है, इतना छोटा भी नहीं है। हाँ तो छोटा बच्चा है हमारे साथ, इसलिए हम रात को अवॉइड करके हम मॉर्निंग टाइम पे निकल रहे। अगर डेस्टिनेशन तो पहुँच पाए तो ठीक, अगर डेस्टिनेशन से पहुँचने से पहले ही बहुत ज़्यादा रात हो जाती है तो वी विल स्टे समवेयर ऑन द वे। होटल अभी तो बुक नहीं किया है इसलिए हमने। सो या, लेट्स बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी विद अस, स्टे ट्यून्ड। आते एक स्यापा हो गया, देखो टायर पंक्चर, अभी निकल ही रहे थे मनाली के लिए, टायर पंक्चर हो गया। ये भैया पंक्चर लगाएंगे अभी, ज़रा टाइम तो नहीं लगेगा। कब से कील लगी हुई थी पता ही नहीं था। अभी हवा डाला तो पता चला, भैया ने बताया कील लगी हुई है, पंक्चर लगवा लो, तब जाके पता चला। काट गया पंक्चर, ठीक है। पंक्चर तो लग गई है, अभी हवा डाल रहे हैं, नाइट्रोजन डालती है यहाँ पे। फिर पंक्चर लगाने के बाद चेक कर रहे हैं कोई लीकेज तो नहीं है। और नहीं है ना, चलो बढ़िया। अभी हो गया है 11:28, आज सब कुछ हमारे साथ उल्टा हो रहा है। पहले हम निकलते थे रात को और आज निकले रहे हम आफ्टरनून में। 11:28 नहीं होता, थोड़े पहले दिखाया था जैसे पंचर डिटेक्ट हुआ, विच इज ऑल्सो गुड। मतलब जाने से पहले ही कहीं पे पता चल गया व्हील में पंचर है, क्योंकि हम रात को पहुंचेंगे तो उसमें कहीं और कुछ दिक्कत होने से तो अच्छा ही है। एंड पंचर ठीक करवाया, एंड देन अभी हम जा रहे हैं सोना क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ और भी कोई जा रहे हैं, उनको पिक करेंगे सोना से, एंड देन हम कैंप भी होके सीधा बाहर से हम निकल जाएंगे हिमाचल के लिए। हम निकल रहे हैं अभी GLS से सोना सेक्टर 4, और यहाँ देखो न्यू पार्टनर हमारा ये अनिल भाई है, हमारे पहाड़ची है। अभी हम कॉन्फिडेंटली डे टाइम में निकल रहे हैं, रात के ड्राइविंग की टेंशन नहीं है, तो इनको हमने अभी से स्टीयरिंग हैंडओवर कर दिया इनके हाथ में। और पीछे हेलो गाइस, पूजा हेलो, हाय पूजा, ये तो एंजॉय कीजिए ट्रिप हमारे साथ मनाली तक। और कितने बजे पहुंचेंगे वो तो पता चल ही जाएगा आपको। दुआ कीजिए बर्फ मिल जाए। हाँ यार, स्नोफॉल मिल जाए, मजा आएगा इस टाइम पे। एक घंटा आगे, 5 से 7 हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, अभी और रुकेंगे नहीं। कहाँ तक जाएंगे अनिल भाई, कहाँ तक मतलब बिना रुके कम से कम अभी हमने पराठा खाना है, सो एटलीस्ट आई थिंक इन नेक्स्ट टू आवर्स हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद कुछ खाने के लिए ब्रेक लेंगे मुरथल रुकेंगे। ठीक है, हम मुरथल तक जा रहे हैं अभी नॉनस्टॉप, फिर वहाँ से कुछ खा पी के फिर चल पड़ेंगे। वैसे पहाड़ी ड्राइवर है, पूरा भरोसा है हमें। बेस्ट थिंग है, मेरे को फ्री लग रहा है, मेरे को कैमरा होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फ्री हूँ, तुम रेस्ट ले लो, आज मैं करता हूँ, वीडियो में बनाता हूँ आज।
चलो यहाँ पे ट्रैफिक है, फिर मिलते हैं आपको हाईवे पे। फील हो रहा है ना हिमाचल में चल रहे हैं। गुड़गांव में पहाड़ मिल गया हमें ये। यहाँ से पूरी सिटी दिखती है नीचे यहाँ से। हाँ काफी चढ़ाई है यहाँ पे भी। अच्छा हुआ एक न्यू रास्ता हमने एक्सप्लोर किया आज। ये तो लेपर्ड ट्रेल से भी बड़ी है। हाँ ये जगह का नाम क्या है अनिल भाई? ये मतलब सोना के बाद ये पहाड़, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको, पहाड़ी इलाके से जाते हैं यही से। ओके तो बस आगे केएमपी से टच हो जाएगा। ओके कनेक्शन कनेक्टेड है केएमपी से, तो ये रोड गाइस आगे जाके केएमपी से कनेक्ट होता है। यार चीज ये आ गए अमरीक सुखदेव धाबा, तो बस चक्कर मार के कुछ खाने पीने के लिए यहाँ पे हम अभी एक ब्रेक लेंगे। स्थान है फॉर द पीपल टू ट्रैवल टू हिमाचल, कौन नहीं जानता अमरीक सुखदेव धाबा, ये वर्ल्ड फेमस है। गाड़ी पार्क कर लेते हैं। देखो अभी भीड़ बाहर, गाड़ी देखो गाड़ियां ही गाड़ियां और अंदर लोग देखेंगे, अभी कितनी ज्यादा भीड़ लगी है। चाहे आप नाइट टाइम में आओ डे में आओ। सो मुरीद पहुंच गए? पहले मैं खेलूंगा। जब पहले खेलोगे हाँ, फिर मम्मी काम करेंगी। हाँ तुमको मेरे साथ खेलना पड़ेगा। खाना कब खाओगे फिर? खेलते रहोगे तो पेट तो खाली रह जाएगा। नहीं खाली रहने, खाली रहने दो, फर्क नहीं पड़ता। कैसे खा रहे देखो, भटूरे खा रहे हैं मुझे, देखो कैसे खा रहे मुझे, खा के दिखाओ तुम कैसे खाते हो। कुछ सब्जी भी नहीं चाहिए, सब्जी वगैरह कुछ नहीं चाहिए इसको, ऐसे सूखा सूखा खा लेते हैं। लेकिन इनार भी वो सुखदेव ढाबा कुछ ऐसी दिखती है अंदर से। चलो गए सबने खा पी लिया, सो जाओ। खा पी लिया सो जाओ। नहीं सोएंगे नहीं, अभी जाना है, इतने बहुत दूर अभी तो बाकी। तो खाना कैसा था सुखदेव धाबा? ऑलवेज ऑसम यार, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था ना।
इसके पराठे से जो व्हाइट मक्खन है बहुत टेस्टी हुई चाय, वाह चाय हलवा बहुत बेस्ट, पूरी हलवा चाय बहुत अच्छी थी है ना, बिना मसाला की। बिना देखो उन लोगों का सर्विस देखो, ऑलरेडी मसाला डाल के रखे हुए थे और मसाला वाला ही उठा के बोल देते कि बिना मसाला वाला है, एंड दे प्रॉपर्ली नो द टाइम लगा के वो बिना मसाला वाला बना के लाए, उसमें टाइम लगा। हां क्योंकि उनके पास स्टॉक नहीं होता है शायद ऐसा कुछ, पर नहीं बट सर बहुत अच्छा लगा इस रोड पे। हम जब भी आते हैं इसी सुखदेव ढाबा पे रुकते हैं हम खाने के लिए। अच्छा कुछ भी खाना होता है यहीं पे रुक जाते हैं। अच्छा, यहीं पे रुक के खाते हैं, बड़ी ऑप्शन है। हाँ ये रात खा उल्टा चल रहा है ये ट्रक। ड्राइवर कभी देखा है ऐसा उल्टा? ड्राइवर इज वेरी एक्सपर्ट, वेरी एक्सपर्ट है भाई, हैवी ड्राइवर। यस माली के पास पड़ता है ये। देखो भैया जूस बना रहे हैं बढ़िया से, पारस जूस कॉर्नर। हाँ जी कितना दूर होगा वो? क्या माली? माली तो दस माली होगा, माली है ना, मतलब थोड़ा बहुत ही दूर है यहाँ से। हाँ ये अभी तो काफ़ी दूर जाना है माली पहुँचे, यहाँ से और माली 15 किलोमीटर। इसके आगे हमने एक ब्रेक ले लिया, अनिल भाई कब तक पहुँचा दोगे, कब तक पहुँचाओगे? 12 बजे पहले आज पहुँचा देंगे। 12 बजे पहले पहुँचना चाहिए मनाली। खाना भी खाना है, खाना वही खाएंगे ना, तो 12 और 1 बजे के बीच मैक्सिमम। हाँ तो जूस आ गई, अनिल भाई जूस ले लो, जूस ले लो। ठीक है देखते हैं कौन से जूस है, मालता मालता है, मालता का भाई मालता बोलते हैं, किन्नू बोलते हैं यहाँ पर। हाँ ठीक है गाइस, हम जस्ट अभी चंडीगढ़ क्रॉस किए हैं, चंडीगढ़ क्रॉस करके अभी पहुंचे रूपनगर रास्ते से जा रहे हैं अभी रूपनगर की रास्ते से जा रहे हैं अभी। ये देखो हाँ ये सीधा मनाली दिखा रहे हैं यहाँ से, चंडीगढ़ ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मार्केट है ये देखो। अच्छा बढ़िया अच्छी मार्केट है यहाँ पे। ये खरड़ है जगह का नाम, खरड़ इस जगह का नाम है खरड़। क्या कर रहे हो मुझे देख जगह पर? गाइस एंकर चेंज्ड एंड पायलट आल्सो चेंज्ड। अब लेडीज पार्टी सामने टाइम हो चुका है कितना, 6:28, 6:30 और हम सब कहाँ है, कुराली के आसपास है, कुराली के आसपास है। एंड हमने
आई एम द ओनली वन जिसको ड्राइविंग नहीं आती, शर्म आ रही है आज थोड़ी सी, शायद सीख लूँ इसे चक्कर में. तो दोनों जेंट्स मॉर्निंग से सामने बैठे हुए, अभी पीछे चले गए, हमने भी अपने टांगे फैला लिए. अच्छा कैसा लग रहा है पीछे? बहुत बढ़िया. हिमाचल देखो कितना मजा आ रहा है भाई. वाओ, ठंडी ठंडी हवा. हाँ, मैं पीछे बैठ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मेरी अपनी गाड़ी में पीछे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ. ऐसे एक और ब्रेक ले लिया हमने अभी डिनर के लिए. हमने सोचा था कि 11-12 PM में हम डिनर करेंगे, लेकिन भूख लगी सबको तो हमने गाड़ी रोक दी यहाँ पे. तो ये वाली ढाबे पे हम आ गए अभी गाड़ी रोक के. तो यहीं पे हम अभी डिनर करेंगे आराम से बैठ के. ये देखिए नाम MNC कैफे एंड फूड. यहाँ से अभी टाइम हो रहा है 8:20 और यहाँ से मनाली करीब 110 किलोमीटर है. ये रोड से सीधा मनाली के लिए. इसका एम्बियंस तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. देखते हैं खाना कैसा मिलता है. फर्स्ट टाइम कभी आया नहीं इससे पहले. चलो बढ़िया है, जब तक खाना आ जाए तब तक आग ही सेक लेते हैं हम. क्या नाम है यहाँ पे? अच्छा, फोटो अच्छी लग रही है आपने जो लगाई यहाँ पे. हाल हो गया रास्ते का मनाली में. ले मनाली हाईवे देखो क्या हाल है. जब मनाली, मनाली हाईवे. हाँ, और रिवर देखो इस साइड रिवर. अभी रात के टाइम ठीक से दिख नहीं रहा. कितना बढ़िया रास्ता था पहले, अब क्या हो गया.
डॉक्टर साहब लगता है पिछली बार जिस होटल में हम रुके थे वो होटल भी गया उस टाइम, दिखी नहीं आज तक होटल। तब से मैं पता है वो देख देख के आ रहा था होटल, देखो नहीं होटल ही नहीं थी। लेकिन नेगी का है, नेगी को कॉल किया था मैंने। नेगी का हो सकता है लेकिन वो वाला नहीं है, नेगी का हाँ दूर था ना उसका टेंट। बाहर में आग लगी हुई है, हम क्या बोलेंगे। नीचे तो खुली हुई है क्या? मुझे ये देखो भाई कितनी आग लगी हुई पहाड़ों में, पहाड़ जल रहे हैं, प्रकृति रो रही है। बट स्टिल रुक ठीक है भाई। गाइस ये देखो फाइनली हम पहुंच गए अटल टनल। कैसा फील हो रहा है अनिल भाई? इट्स ऑसम ऑसम। और इधर देखो स्नो फॉर स्नो गिरा हुआ है थोड़ा थोड़ा ऐसे, नाइट टाइम है जितना दिखा पा रहे दिखा रही है, लेकिन बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा यहाँ पर ठंड है। गिव यू अ क्लियर पिक्चर टुमारो। यस यस डेफिनेटली। और अटल टनल आ गए हैं यहाँ पे, मस्त है व्यू वहाँ पे। वॉशरूम किसी को वॉशरूम जाना था यहाँ पे जा सकते हैं। यस वेरी नाइस। सो कुछ फोटो हो जाए इसके बाद मिलते गाइस। देखो नाइट टाइम में अटल टनल कैसा दिखता है, कितना ब्यूटीफुल दिखता है अटल टनल नाइट टाइम में। कोई नहीं है, सिर्फ हमारी गाड़ी है और कोई भी नहीं है, सिर्फ हम ही हम है। शिशु में एक होटल में हम आ गए थे लेकिन यहाँ पे सारे सो रहे हैं, बेल बजाए कोई उठे नहीं। तो यहाँ पे बर्फ की चादर देखो, चादर है, चादर बने हुए बर्फ ही बर्फ, फ्रेश टाइप की लग रहा है ये तो। इधर भी आ गया सर, इधर भी बर्फ। सो गाइस हम फाइनली पहुंच गए शिशु और ये रूम हमने ले लिया। और जो जिस होटल के लिए हम आ रहे थे उस होटल में उस हाँ ये शिशु है बाबा, शिशु पहुंच गया मनाली का आपका रह गया आगे रह गया। बेसिक सा रूम है, ये रूम टूर कराते हैं आपको। ये है बाकी, ये है बाथरूम का व्यू, अगर चाहें तो इस टाइप का बाथरूम दिखता है, बढ़िया है, काफ़ी स्पेशियस है, ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। और ये पड़ा हमें टू रूम के लिए 3500 बता रहे थे, तो 3500 में हमने हमें एग्री हो गया होटल का ऑनर। तो इसके बाहर का व्यू दिखाते हैं यहाँ पे क्या है, कितनी बर्फबारी है, बर्फ है या नहीं है। तो ये बाहर का व्यू कुछ इस तरह दिखता है और मॉर्निंग में तो डिटेल में दिखाएंगे अच्छे से। तो अभी नहीं तो बस अभी देख लीजिए ऐसे, ये है बर्फ, ये देखो बर्फ, बर्फ घर के ऊपर ये, वाह। ये चलो अभी फिलहाल रखते हैं, तो फिर कल मिलते हैं दूसरा ब्लॉग। कल हम साइट सीन करेंगे इसमें शिशु में, और शिशु में साइट सीन तो होगी। इसके बाद हम सोच रहे रोहतांग पास जाएंगे, तो हो पाता पॉसिबल नहीं हो पाता देखते हैं, और नहीं तो आगे हम केलंग वगैरह जाएंगे। कल क्या क्या हो पाते हैं केलंग वगैरह और दर्चा वैली। दर्चा हाँ बहुत ब्यूटीफुल है, दिखाएंगे आपको। Till then, bye bye. It's a nice time to be here. Honestly, traffic free. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, do like, share and subscribe. And rest, keep traveling.